Hello friends and welcome back to our SL tutor. This is me Imran Syed. HTML5 and CSS 3 lectures के अंदर आपको फिर से welcome करता हूँ. Lecture number 81 के अंदर आज हम लोग discuss करने वाले हैं validation attributes के बारे में, जो कि बहुत ही important है. अगर आप JavaScript के साथ familiar नहीं हैं, तो कुछ ऐसी validations हैं जो कि आपको HTML जो है वो front end पे provide कर रहा होता है आपके attributes की शक्ल के अंदर. तो उनमें से कुछ मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो HTML डेटा वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट्स के अंदर या अपने वेब फॉर्म्स के अंदर. तो एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि कौन से मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ. एक तो है आपके पास ऑटो कम्प्लीट का एट्रीब्यूट, सेकेंड है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट और थर्ड है नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट. रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके कंट्रोलर्स के अंदर. आप अपने टेक्स्ट फील्ड्स या टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो है रिक्वायर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो. ऑटो कम्प्लीट जो है ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन आपकी जहाँ पर सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पर ऑटो कम्प्लीट का यूज़ बहुत ही मेनली इम्पॉर्टेंट है. नो वैलिडेट के बारे में आपको बताता हूँ परफॉर्म करके भी कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. मतलब आप अगर अपने फॉर्म में, आप बहुत बड़ा फॉर्म है और आपने उसमें वैलिडेशंस बेतहाशा लगाई हुई है और आप आपके पास कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है कि आप जो है फॉर्म के अंदर से वैलिडेशंस को ख़त्म करें और इसको डायरेक्टली जो है वो अपलोडिंग पे अप्लाई करें, तो वहाँ पर नो वैलिडेट का जो एट्रीब्यूट है बहुत यूज़फुल है. अब आप हर कंट्रोलर में जाके रिक्वायर्ड फील्ड को हटाने से बेहतर है कि आप एक ही जगह पे नो वैलिडेट अप्लाई करते हैं एक रिक्वायर्ड के अंदर फॉर्म के टैग्स के साथ. वहाँ पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी फॉर्म की वैलिडेशन जो है वो डिसेबल्ड हो जाती है फ्रंट एंड के ऊपर, जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है आपके लिए एज अ डेवलपर या डिज़ाइनर. ठीक है, ऑटो कम्प्लीट बेसिकली आपके पास काम इस तरह से करता है कि अगर आपने किसी फॉर्म को विज़िट किया है, आपने देखा भी होगा अक्सर फॉर्म्स के अंदर कि अगर आपने किसी फॉर्म को विज़िट किया है और आपने वहाँ पर अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल्स वगैरह जो भी चीज़ें आपने प्रोवाइड की हैं, अगर आप उसी फॉर्म को दोबारा से विज़िट करते हैं और आप उसके अंदर आप दोबारा से कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं और आप कोई भी एक लेटर प्रेस करते हैं, तो क्या होता है उसका सजेशन में जो है आपके ईमेल एड्रेसेस आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं. तो ऑटो कम्प्लीट वहाँ पर यूज़फुल होता है कि अगर आप चाहें तो ऑटो कम्प्लीट को ऑन रखें ताकि वो जब यूज़र ईमेल्स टाइप करे तो वहाँ पर सजेशंस दिखती रहें, और अगर आप चाहते हैं कि सजेशंस ना दिखें तो आप ऑटो कम्प्लीट को ऑफ कर देते हो. अब इसके बारे में हम लोग ये करते हैं कि इसको परफॉर्म करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं आपके फॉर्म्स के अंदर. और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनको थैंक यू करता हूँ. वक्त ज़ाया किए बगैर लेक्चर की तरफ चलते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं. और लेक्चर नंबर 81 के फोल्डर के अंदर मैं ये फाइल सेव कर रहा हूँ. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी वैलिडेशंस की बात आती है तो जाहिर सी बात है आपको अपना फॉर्म ज़रूर क्रिएट करना है. फॉर्म के बगैर वैलिडेशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्म का एंट्री फॉर्म अपने क्रिएट करना है. एक्शन आप जो भी रख रहे हैं, मैं सब एग्जाम्पल रख लेता हूँ index.php. ठीक है, मेथड आपके पास यहाँ पर मैं इस वक्त रखूँगा पोस्ट. और अब इसके अंदर हम लोग कंट्रोलर्स जो हैं वो बनाना शुरू करते हैं. एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर हम 3-4 फील्ड रखेंगे, जैसे कि आपके पास हो जाएगा नेम, एड्रेस, ईमेल वगैरह. ठीक है, मैं करता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको मैं करूँगा नेम, ईमेल. ठीक है, और ये मेरे पास रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, ये फील्ड मतलब जब भी कोई सबमिट करेगा, फॉर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, सबमिट करेगा, तो ये होना चाहिए कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, चेकिंग करेगा. अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा. इनपुट ये हो गया हमारे पास, फिर एक और इनपुट आ जाते हैं, टेक्स हो जाएगा, नेम हम इसका रख लेते हैं और इससे पहले हमें क्या करना है, ईमेल, और यहाँ पर हम भी आर का टैग लगा लेते हैं. ईमेल से पहले हमें नेम चाहिए,
तो यहाँ पे हम ईमेल कर लेते हैं और यहाँ पे हम नेम कर लेते हैं। इसके बाद हम दोबारा से करेंगे नेम एंड दिस विल बी नेम सॉरी ईमेल br करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। और इसके बाद हम करेंगे एंटर और यहाँ पे हम क्या करते हैं सीटी रख देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम सिटी, ठीक है। और लास्ट मेरे पास एट्रीब्यूट हो वो कंट्रोलर मेरे पास होगा बटन का, इनपुट टाइप मैं करूँगा इसको सबमिट, ठीक है। वैल्यू मुझे चेंज नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट का बटन टेक्स्ट सबमिट ही आता है। सेव करेंगे और इसको अब हम लोग अपने ब्राउज़र में लोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये फॉर्म है हमारे पास इस वक्त, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फाइल कोई नहीं है तो रिटर्न आ गया, आपके पास एरर आ गया क्योंकि मैं यहाँ लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी दी है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक्शन को सेव करते हैं, वापस लाते हैं और अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे, डेटा देते हैं, सबमिट करते हैं और फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो अब सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या था, ऑटो कम्प्लीट का, सेकंड है रिक्वायर्ड। सबसे पहले टेस्ट करेंगे रिक्वायर्ड को। हम अपने कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें भी रिक्वायर्ड रखेंगे और सिटी में भी रिक्वायर्ड कर लेंगे। तीनों में रिक्वायर्ड हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे हम दोबारा से, कैंसिल करके एंटर करेंगे। डेटा मेरे पास मैं यहाँ डाल देता हूँ इमरान सैयद imran@gmail.com, सिटी हम रख लेते हैं यहाँ पर कराची। और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सबके साथ रिक्वायर्ड, अब अगर मैं इसको सबमिट करना चाहूँ तो ये मुझे एरर देगा मेरी फर्स्ट फील्ड के अंदर। तो मैं यहाँ दोबारा से लिखता हूँ इमरान सैयद, सजेशंस में से लेता हूँ इमरान सैयद, दोबारा सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो अब मुझे सेकंड फील्ड में देगा कि आपने फील्ड को फिल आउट करना है। तो यहाँ मैं दोबारा से लिख लेता हूँ imran@gmail.com और सिटी में ले लेता हूँ, फिलहाल नहीं लेते हैं, इस पर भी रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड का बेसिकली काम यही है कि वो आपके रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो उसको ज़रूरी है कि मतलब आपने उसको फिल आउट करना है, फिल आउट नहीं करेंगे तो वो आपको सबमिट करने नहीं देगा। ये फॉर सिक्योरिटी पर्पस आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है हमारे पास रिक्वायर्ड के बाद, नेक्स्ट चीज़ है कि सेकंड एट्रीब्यूट जो हमारा है वो बेसिकली आपके पास है ऑटो फिल वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट जो है, अब हम लोग चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ईमेल को मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ ऑटो कम्प्लीट को ऑफ, ठीक है। सेव करते हैं, फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे पास यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इमरान सैयद आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, और अगर मैं कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है सजेशंस। जैसे कि सिटी में मैं आता हूँ और यहाँ मैं सिंपल के लिखता हूँ तो मेरे पास सजेशन नीचे से आ रहा है। बेसिकली ऑटो फिल का काम यही होता है कि आपको अगर अपने फॉर्म के अंदर सजेशंस ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड एट्रीब्यूट था सजेशंस के हवाले से। और जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है नो वैलिडेट का, ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नो वैलिडेट बेसिकली किस तरह से काम करता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे याद रखिएगा कि रिक्वायर्ड के फील्ड लगे हुए हैं और अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्म को रिफ्रेश करें और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे फॉर्म का जो टैग है इसके अंदर मैं देता हूँ नो वैलिडेट, सॉरी नो वैलिडेट, ठीक है। नो वैलिडेट देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो मुझे यहाँ कोई एरर नहीं दे रहा इस वक्त।
इसी तरीके से अगर मैं अंडू वैलिडेट यहाँ से हटा दूँ और सेव करके दोबारा से चेक करूँ, रिफ्रेश करते हैं कंटिन्यू और सबमिट करते हैं, तो अब यहाँ पे मुझे ये एरर डिस्प्ले कर रहा है। तो बेसिकली ये कुछ वैलिडेशंस हैं जो कि माइनर फ्रंट एंड पे आप कह सकते हैं आप यूज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत छोटी मोटी वैलिडेशंस हैं। मज़ीद और भी वैलिडेशंस हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा मज़ीद एडवांस चीज़ों के अंदर। तो ये कुछ दो तीन वैलिडेशंस थी जो हमने यहाँ पे परफॉर्म की हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इन वैलिडेशंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं वैलिडेशंस को आप अपने सीएसएस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। कि आप चाहें तो अपने रिक्वायर्ड की वैलिडेशंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दिखा दूँ कि मैं यहाँ सीएसएस लिखता हूँ और मैं यहाँ पे अपने इनपुट एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ और आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, और उसके बाद मैं ये करता हूँ, मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जिस जिस कंट्रोलर के ऊपर रिक्वायर्ड की फील्ड लगी हुई है उस कंट्रोलर का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर करता हूँ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हम सेट करते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड रेड, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। सेव करने के बाद हम अपने फॉर्म पे जाके जब रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा कि मेरे जो बॉर्डर्स हैं वो रेड हो गए हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड लगा हुआ है। अब अगर फ़र्ज करें मैं सिटी में से रिक्वायर्ड को हटाता हूँ, यहाँ से सेव करने के बाद मैं दोबारा से जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरा जो सिटी का टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है वो रिक्वायर्ड में से ख़त्म हो चुका है और उसकी सीएसएस भी डिसेबल हो गई है। तो इसी तरीके से आप चाहो तो अपने सीएसएस के अंदर भी इन चीज़ों को अप्लाई करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा लेक्चर्स था आपके डेटा वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो कि मैंने आपको इसमें लेक्चर में कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियरली आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने बताया है आपको। और मे भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर अब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको एडवांस चीज़ें बताऊँगा कि वैलिडेशन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या काम है, और रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आप डेटा वैलिडेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि डाटा वैलिडेशंस बेसिकली काम किस तरह से करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये लेक्चर मैं अब यहीं वाइंड अप करता हूँ।